सुबह के 8:45 का टाइम हो चुका है। अब जाके मैं किचन में आई हूँ। सुबह पानी पी के हम लग गए थे काम में, क्योंकि मनरेगा का काम चल रहा है हमारे यहाँ। मजाक में बोल रही हूँ, हमारे लॉन की सफाई हो रही है, वहां पे दीवार लग रही है, तो उठ के पानी पी के निकल गए थे। और अभी क्या हुआ, अभी फिर भूख लगने लगी ना, ब्रेकफास्ट नहीं करा था अभी तक, थोड़ा सा वो एक तरफ का काम खत्म हो गया था मतलब। फिर मैंने सोचा ना ब्रेकफास्ट फास्ट के बारे में कुछ किया जाए, तो फिर मैंने देखा कि शाम का बजा होता है, तो आज वो कुछ भी नहीं था। मुझे लगा दीदी आजकल वैसे दीदी बना रहे है ना खाना, तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है चाहिए। इस चक्कर में अभी पता चला है कि शाम का कुछ भी नहीं बचा आज, यहाँ तक कि आटा भी नहीं गूंथा। अभी दीदी आटा गूंथ रहे हैं और मैं काटूंगी ये सब्जी फटाफट से, और फिर बनेगा हमारा ब्रेकफास्ट। जब मैं अकेली थी ना, लगभग एक महीना मैं अकेली थी, दीदी मेहमान ले गए थे, तो उस टाइम मेरा ना कुछ और था तरीका काम करने का, क्योंकि मुझे पता था अकेले करना पड़ता, तो शाम को रखी मैं तैयारियां करती। अब दीदी आ गई है, अब थोड़ा सा वो एक दिन बारी खत्म सी है, क्योंकि दीदी खाना बनाते हैं मैक्सिमम, बहुत कम बनाती हूँ मैं, जब मेरे ऐसे अपने हाथ का खाने का मन करता है तब बनाते हैं। बाकी एक तो काम इतने सारे हैं कि फिर खाना बनाने में भी टाइम तो लगता है थोड़ा बहुत, बट इतना भी नहीं लगता कि अभी देखना मैं काटूंगी भी, और साथ साथ में छौंका लगाऊंगी, साफ साफ चलेगा मेरी। और इस वाले इसमें कभी भी तेल नहीं होता है, जो ये तेल का वो है ना, ये इसमें तेल ही नहीं डाल पा रही हूँ मैं, इसलिए सीधा जाएगा इससे। और एक ये धातु भी अब ढंग के नहीं है, पता नहीं ये 100 बार बांधने पड़ते हैं शाम तक काम करते हुए, तो अब तो ना फेंकने ही पड़ेंगे, अब गर्मियाँ आ रही है, ये काम ये भी खत्म हो जाएगा बाद में। मिक्स वेजिटेबल बनेगी अभी, मिक्स नहीं पता गोभी बची है, मटर है थोड़े, मैं सोची दो बनाती हूँ अभी, मुझे अच्छा नहीं लगता इसमें, और उठने में आखिरी तैयार कर रहे हैं। अगर मेरे पास टाइम बचा, मुझे लगता मेरे पास टाइम है, उसके बाद मुझे दौड़ना पड़ेगा, फिर शाम को आके कर सकते हैं। फिर ये है इसमें मटर, जो हमारा वो प्रोजेक्ट का काम है ना, उसमें 10 दिन तो हमें हो ही गए। हाँ, क्योंकि फिर बाकी बीच बीच में फिर दूसरे काम आ जाते हैं ना, जो जरूरी होते हैं, फिर वो करने पड़ते हैं, फिर उसको हम रहने देते हैं, उसको हम तब तक करते हैं जब जब हमारे पास कोई दूसरा ऐसे इम्पोर्टेंट काम नहीं आता है। तो ये है वो बिजी रहने के लिए है, बिजी रहने के लिए बोलो चाहे यार क्या ही बोलो, बहुत जरूरी है वो भी करना, और उतने मेरा टाइम हो जाता है दौड़ने का। तो मुझे लगता है जब मेरे काम होता फिर कोई स्कीम अगर घर पर होती तो मैं कितना काम करती, फिर अगर घर पर होती तो फिर सोचती कि कहीं नहीं दौड़ने का होता मुझे तो थोड़ा सा मैं भी बच जाती है ना, ऐसे ही होता है।
नमक थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा क्योंकि नमक थोड़ा सा तेज हो जाता है। देखो मैं पहले मटर पकाने चाहिए थे बट अब इकट्ठे ला दिए मैंने, अब बताऊंगी आपको कैसे पकेंगे ये हरे मटर। पक जाएंगे इसके साथ साथ और यहाँ पे ये मेरी सब्जी भी होगी पक्के तैयार, इधर मेरी चपातियाँ। आज मैं मेहता जी को पीछे छोड़ गई हूँ, आधे रास्ते तक खुद लेके आई हूँ क्योंकि आस्ते आस्ते मुझे ट्राई करना पड़ेगा, रोड बहुत खराब है इसलिए वो डरते हैं। अभी भी नहीं आए, कहाँ रह गए। हाँ जी, तो यहाँ पे टाइम तो शाम का है ना, पर खाने की तैयारियां सुबह की हो रही है, डिनर तो हो चुका है। और अभी यहाँ पे जैसे कि कल संडे है तो सुबह हमने स्प्रे करने जाना था चबियार, तो उसके लिए अभी ब्रेकफास्ट की तैयारियां करके रखती हूँ अभी, फिर सुबह नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट में सुबह मैं बनाने वाली हूँ बिस्किट एंड आलू के परांठे बनेंगे, जिसके लिए मैंने आलू बॉईल करने को लगा दिए। और आटा गूंथ के रखूंगी, इतना सा तो करके रखूंगी, बाकी सुबह करूंगी। आधी तैयारियां करके रखती हूँ, आधी सुबह करेंगे ताकि हम लेट ना हो जाए जाने में। ये खाना बनाने की टेंशन नहीं होती है, टेंशन तो क्या है, मतलब पहले से तैयारियां करके रखनी पड़ती है क्योंकि बाकी सारे काम भी निपटाने होते हैं, तो इसलिए शाम सुबह के लिए शाम को सोचना पड़ता है, शाम के लिए सुबह सोचना पड़ता है। बना लेट हो जाएंगे तो उनका खेत है, फिर टाइम से स्प्रे भी होनी चाहिए, इसलिए ये मैंने लगा दिया। अब आटा गूंद कर रख देती हूँ और उसके बाद मेरे बर्तन मांजने को भी, डिनर वाले डिनर करके फ्री हो चुके हैं। चलिए फिर मिलते हैं, आटा गूंद।
ब्रेकफास्ट टाइम, क्योंकि आज संडे है तो सुबह आज जाना है, तो आज थोड़ा जल्दी से बन रहा है ब्रेकफास्ट, जल्दी बना रही हूँ क्योंकि उनको थिएटर टाइम से पहुँचना पड़ेगा। और यहाँ ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं फिर से आलू प्याज के परौंठे, इकट्ठी हो रही है रोटी, बोलते मेहमान आएंगे, कल भी हो रही थी, कल भी कोई नहीं आया। हाँ एक कॉल जरूर आया था, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, क्योंकि हम दोनों ही जा रहे हैं सफाई करने, हमारे साथ कोई लेबर नहीं जा रही, कोई दूसरा तीसरा कोई भी नहीं है, और फिर हम दो पर दो जा रहे हैं, मशीन भी ले जानी है, दवाइयाँ भी होती है, ब्रेकफास्ट भी साथ ही ले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है यार, सामान ही बहुत हो जाता है ले जाने को, थोड़ा सा दिमाग में उस चीज़ की। और तभी तो बोलते हैं ना रोड बिल्कुल खेतों में होने चाहिए आज की डेट में, क्योंकि आने वाले टाइम में लेबर प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। अभी इस साल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेबर बहुत कम है, और जहाँ पे तो खेतों में रोड है वहाँ पे तो थोड़ा बहुत मैनेज हो भी जाता है, बट यहाँ जहाँ रोड से थोड़ा जाना पड़ता है सामान ले जाने लाने की, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये मेरे घी के परौंठे बन रहे, कभी कभी ना घी के परौंठे खाने का बहुत मन करता है, कभी कभी क्या ऐसे तो खाने का मन करता है, क्योंकि टेस्टी जरूर, टेस्ट तो वैसे घी के परौंठे में ही होता है, बातें चाहे आप जो मर्ज़ी करो कि रिफाइन में बनाएं चाहे जैसे बनाएं। और ये मेरी स्टफिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत टेस्टी बने थे परौंठे, क्योंकि